Welcome students to your channel Pharmadors. Myself Poonam Jayas, Assistant Professor of Pharmacology. In today's lecture, we will discuss about the local anesthetics, which is also a part of autonomic nervous system. In this video, we will discuss about the local anesthetic, what is local anesthetic and classification of local anesthetic and mechanism of action of local anesthetic. Actually, mein local anesthetic kya hai? What do you mean by local anesthetic? ठीक है, तो local anesthetics क्या होते हैं? Local anesthetics are agent which produce reversible block of nerve conduction without any loss of consciousness. क्या है? ऐसे agents होते हैं जो कि reversible क्या कर देते हैं? Nerve conduction, nerve impulse का जो generation है उसको reversibly ब्लॉक करेंगे और लॉस ऑफ विदाउट एनी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस. मतलब एनेस्थेटिक क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हम बेहोशी के लिए यूज करते हैं, सुन करने के लिए यूज करते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया को. दो टाइप के होते हैं, एक लोकल एक जनरल. लोकल होती है जो हम एक स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई करेंगे बॉडी के और उसी एरिया को हम सुन करेंगे ऑपरेशन के लिए या कोई सर्जरी के लिए, पेन को, पेन की रिसेप्शन को, पेन परसेप्शन को कम करने के लिए. ठीक है, जनरल क्या होता है? पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं? वो सुन कर देते हैं, पूरी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स की जनरेशन और कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं. रिवर्सिबल का मतलब कैसा है? जैसे ही हमने इसको प्रोड्यूस वो एनेस्थेटिक एजेंट दिए लोकल, वो उस स्पेसिफिक एरिया को कुछ टाइम के लिए, जितना उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसके लिए वो क्या करेगा? उसको सुन कर देगा. उसके बाद जैसे ही हमारी मतलब सर्जरी परफॉर्म हो जाएगी, रिवर्सिबली वो कुछ टाइम के बाद उसको वो क्या करेगा? अपने आप से जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन कंडक्शन ब्लॉक हुई थी उसको स्टार्ट कर देगा. मतलब जो बेहोश किया था, सुन किया था हमने पार्ट, वो दोबारा से क्या हो जाएगा? ठीक. बेसिकली हमें आई ऑपरेशन करना है तो हम आई के अंदर क्या देंगे? एनेस्थेटिक देंगे. अगर हमें कोई मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो मान लो अब्डोमिनल कट लगाना है तो वहां पे हम अब्डोमिनल बैकबोन के अंदर हम एनेस्थेसिया दे सकते हैं लोअर पार्ट को क्या करने के लिए, हम ठीक है, एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए. एनेस्थेसिया क्या होता है? वो वाले इंजेक्शन या बी वाले एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हम देते हैं किसी पेशेंट को क्या करने के लिए? बेहोश करने के लिए, पेन परसेप्शन को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, इनहिबिट करने के लिए. तो लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली क्या करते हैं? रिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं नर्व कंडक्शन को विदाउट एनी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस. मतलब बंदे को होश होता है, कॉन्सियसनेस को ये वो नहीं करेंगे, बेहोश नहीं करेंगे प्रॉपर. जिस पार्ट को, मान लो मुझे आई के अंदर करना है तो मेरे आई का पार्ट ही क्या हो जाएगा? सुन, मेरे को जार निकलवानी है, ठीक है, टूथ पेन है, टूथ निकलवाना है मैंने, तो वो क्या करेगा? मान लो यहाँ पे हमने एनेस्थेसिया दिया लोकली, तो यहीं पे मेरी पेन परसेप्शन कम होगी. ऐसा नहीं कि मेरी पूरी बॉडी की पूरी बॉडी परसेप्शन बंद हो जाएगी. मतलब पेन जहाँ होना था वो एरिया सुन हो गया आपका, बाकी बॉडी आपकी काम कर रही है. ठीक है, दूसरा ये क्या काम करते हैं? जनरेशन को, कंडक्शन को नर्व इम्पल्स की ब्लॉक कर देते हैं. जो कि नर्व इम्पल्स ऐसे लोअर से बन रही है हमारी, है ना, जो भी सॉरी वो हार्ट बीट बनती है, जो भी हमारी नर्व इम्पल्स एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से बनती है, ठीक है, तो उसकी जनरेशन को और कंडक्शन को ये क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे. ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं? पार्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी, मतलब जो स्पेसिफिक एरिया होगा बॉडी का, वहां पे ये क्या करेंगे? रिवर्सिबली लॉस करेंगे पेन परसेप्शन को. ये सेंसरी एंड मोटर दोनों ही मिक्स सेक्शन, सेंसरी और मोटर जो हमारी नर्व्स होती है इम्पल्स की जनरेशन और कंडक्शन दोनों को ही ब्लॉक करेंगे. पेन की परसेप्शन मतलब सेंसेशन भी नहीं होगी, मोटर मतलब मसल्स की पैरालिसिस करा देंगे. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. लोकल एनेस्थेटिक में कौन सी ड्रग्स आती है? इनको हम स्पेसिफिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर कराते हैं, दूसरा है सरफेस, मतलब जो हम लोकली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, वो है सरफेस एनेस्थेटिक्स. अब जो हमारे इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स है ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट एक्शन एंड हाई पोटेंसी. सरफेस एनेस्थेटिक आर डिवाइडेड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. देखो लो पोटेंसी मतलब इसकी जो पोटेंसी क्या है? लो है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या होगा? सॉल्ट होगा. इसमें ड्रग है
अच्छा, जो हमारी एनेस्थेटिक एजेंट्स है उनकी पहचान कैसे आती है, इनको याद करने के लिए, पहचानने के लिए इन ड्रग में पीछे क्या लगता है? केन लगता है, लिडोकेन, प्रोकेन, है ना, अमीनोकेन, टेट्राकेन, मतलब पीछे पहचान के लिए क्या रखोगे? केन को याद रखोगे। जहां भी पीछे केन लगा हुआ दिखा, मतलब वो बेसिकली कौन से हमारे एनेस्थेटिक एजेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोकल है या फिर जनरल है, ठीक है। प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट में लिडोकेन एंड प्रिलोकेन, हाई पोटेंसी में है टेट्राकेन एंड बुपिवाकेन, टेट्राकेन एंड बुपिवाकेन। नेक्स्ट है सरफेस एनेस्थेटिक, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में है लिडोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, लिडोकेन, कोकेन एंड टेट्राकेन। इनसॉल्युबल में है बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। अब हम इसका मैकेनिज्म फैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक कैसे एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक का हम मैकेनिज्म फैक्शन देखते हैं कि जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक है ये बेसिकली क्या है, देखो ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ये क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। बेसिकली जो हम अगर बोलेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक है उसका मेन मैकेनिज्म फैक्शन क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे हमारे लोकल एनेस्थेटिक, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो हमारे सोडियम चैनल है इसको ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जो कि वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स है, उनको ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। हम बेसिकली अब वो रीजन देखेंगे कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, कैसे ये काम करेंगे। ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसमें नॉर्मली एक एक्शन पोटेंशियल देखते हैं हम। अगर आपको एक्शन पोटेंशियल डिटेल में समझना है तो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी है कार्डियोग्लाइकोसाइट्स की, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूंगी, वहां से आप एक्शन पोटेंशियल को डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, डायग्राम के साथ। अब तो क्या है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसके इंटीरियर, जो हम अगर रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो इंटीरियर में व्हेन सेल इज एट रेस्ट इंटीरियर हैज नेगेटिव चार्ज। जूम करके देखिए क्या है, व्हेन सेल इज एट रेस्ट, जब हमारी सेल रेस्टिंग कंडीशन में है, मतलब नो मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो उस इंटीरियर मतलब इनसाइड में कौन सा वो होगा हमारे पास चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं अभी, जैसे ही नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि लोकल एनेस्थेटिक की हम बात करें कि ये क्या कर रहे हैं, सोडियम चैनल की ब्लॉकेज कर रहे हैं। बट हमें इसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि सेंसरी जो हमारी इनपुट आती है, जो हमारे परसेप्शन होता है पेन का, वो किस वजह से होता है, क्या सेंसरी फंक्शंस है वो हमारे। तो क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है, हमारी जो सेंसरी इनपुट लेता है हमारी बॉडी से कि हमें पेन परसेप्शन होती है, क्या होगा इसके लिए, जो हमारी नर्व के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन होगा परसेप्शन के लिए, वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली, किसकी हेल्प से, इन नर्व इम्पल्स की हेल्प से। तो ये कैसे काम करेगी कि बाहर पे हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट है, इनसाइड हमारा नेगेटिव चार्ज है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में है, ना तो सोडियम अंदर आ रहे, ना पोटेशियम बाहर जा रहे, ना कोई और आयंस का मूवमेंट हो रहा, तो मतलब सेल मेम्ब्रेन कौन सी कंडीशन में, हमारी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, कोई इम्पल्स की जनरेशन नहीं हुई, कोई इम्पल्स की कंडक्शन नहीं हुई। अच्छा, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे देखो ये हमारी मेम्ब्रेन है कि सोडियम मेम्ब्रेन, मान लो ये सोडियम चैनल्स, अगर हम इसकी ब्लॉकेज नहीं करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक की काम हम बाद में देखेंगे, पहले जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। सोडियम चैनल का काम क्या है, सोडियम चैनल जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड में सेल के पास नेगेटिव चार्ज था, तो ये सोडियम चैनल क्या करते हैं, जब हमारे बाहर से आउटसाइड से इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, ठीक है। उस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन से हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होगी, फर्स्टली प्रोसेस होगी डीपोलराइजेशन। डिटेल के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंदर लिंक होगा वीडियो का, वहां से स्टडी करें, मैं अभी बस आपको थ्रू आउट ऊपर ऊपर से करा रही हूँ। डीपोलराइजेशन क्या है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्या है,
opening of voltage gated sodium channel is called depolarization process that led to generation of a nerve impulse means जिसकी वजह से एक nerve impulse की generation होगी वो process है depolarization इसी की वजह से एक action potential की generation होगी ठीक है action potential क्या बनाते हैं nerve impulse को generate करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है रिपोलराइजेशन अब देखो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम ओपनिंग से बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज था इनसाइड नेगेटिव था तो पॉजिटिव साइड ने इनसाइड एंट्री करना स्टार्ट कर दिया मतलब एक नर्व इंपल्स की जनरेशन स्टार्ट होगी तो डिपोलराइजेशन होगी इसके उसमें जब डिपोलराइजेशन कम्प्लीट होगा इसको मैनेज करने के लिए यहाँ से क्या होगा पोटेशियम चैनल क्या करेंगे बाहर इफ्लक्स करेंगे इंट्रा सेलर से एक्स्ट्रा सेलर के अंदर पोटेशियम का इफ्लक्स होगा उसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इज नॉन एज रिपोलराइजेशन प्रोसेस क्या है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इज नॉन एज रिपोलराइजेशन प्रोसेस सोडियम चैनल की ओपनिंग को हमने डिपोलराइजेशन बोल दिया पोटेशियम की ओपनिंग को हमने रिपोलराइजेशन कर दिया जैसे ही हमारी सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होगा तो हमारी सेल वापस से क्या करेगी रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएगी ठीक है वापस से जो हमारी स्टेज है वो क्या हो जाएगी रेस्टिंग स्टेज पे आएगी ठीक है उसके बाद क्या है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा सोडियम अंदर आएंगे पोटेशियम बाहर जाएंगे सोडियम की एंट्री से एक एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यू जनरेट होता रहेगा मींस नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन चलता रहेगा ये नॉर्मल प्रोसेस है कि सोडियम क्या कर रहा है डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस करके एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होने से हमारी नर्व इंपल्स की जनरेशन भी होगी कंडक्शन भी होगी मतलब हमें पेन फील होगा बट हम बोल रहे लोकल एनेस्थेटिक का काम क्या है पेन परसेप्शन को बंद करना अगर हम लोकल एनेस्थेटिक देके सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे सोडियम अंदर ही नहीं आया एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ कोई नर्व इंपल्स ही नहीं बनी नर्व इंपल्स नहीं बने तो कंडक्शन नहीं हुआ मतलब हमें पेन की परसेप्शन नहीं हुई अल्टीमेटली क्या था लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बुक में बहुत लंबा दिया होगा बहुत लेंथी मिलेगा आपको हर जगह बट बेसिकली जो मेन इसका काम है वो ये है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके क्या कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से नो मैसेज ऑफ पेन इज सेंट दूसरा रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम आयंस मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है इसको स्टेबल कर देंगे कि मेम्ब्रेन ही अलाउ नहीं करेगी सोडियम चैनल को अंदर एंट्री करने के लिए कहां पे काम करेंगे लोकल एनेस्थेटिक बाइंड करेंगे रिसेप्टर पे कहां नियर द एंड ऑफ इंट्रासेलर एंड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है इसका जो इंट्रासेलर एंड होगा यहाँ पे ये बाइंड करेंगे और सोडियम की जो परमेबिलिटी है उसको क्या करेंगे ये ब्लॉक कर देंगे ठीक है ये जनरली क्या था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डिटेल के लिए मैं वीडियो के अंदर नोट्स डाल दूंगी इसके जो पूरी डिटेल में है आपके पास लिखने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये समझाने के लिए मैंने जस्ट समझाया बट लिखने के लिए ज्यादा डिटेल में है वो मैंने डाल दूंगी मैं नेक्स्ट हम इसके कुछ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के फार्मा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में कि लोकल एनेस्थेटिक्स के कौन से ऑर्गन पे क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है फर्स्ट वन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेंगे देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करते हैं क्या करते हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं यूफोरिक क्या होता है एक्साइटमेंट हैप्पीनेस ठीक है कि हमें अगर कुछ ले रहे हैं उससे हमें क्या होगी एक्साइटमेंट होगी रेस्टलेसनेस ट्रीमर मतलब कंपकंपी होगी ठीक है कोकेन क्या करते हैं एडिक्शन कोकेन के अंदर क्या होता है यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कोकेन तो पेशेंट क्या मतलब पर्सन क्या करते हैं एडिक्टेड हो सकते हैं कोकेन के ये एडिक्शन प्रोड्यूस करती है ठीक है दूसरा है CVS सिस्टम ठीक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हार्ट के ऊपर ठीक है क्या इफेक्ट होगा हमारी किसका ब्लड वेसल्स का लोकल एनेस्थेटिक का लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं वैसोडायलेशन ब्लड वेसल्स की क्या करेंगे ये वैसोडायलेशन होगी तो क्या होगा वहां पे बीपी कम होगा मीन्स हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करेंगी दूसरा कोकेन क्या करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट एक्सेप्शन है कोकेन जो बाकी लोकल एनेस्थेटिक है वो वैसोडायलेशन करके हाइपोटेंशन करते हैं बीपी को कम करते हैं बट कोकेन क्या करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है कोकेन का ये क्या करेगी कोकेन हाइपरटेंसिव इफेक्ट देगी ठीक है
नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट, कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो स्मूथ मसल्स पे कैसा इफेक्ट देगी? ऑब्वियस रिलैक्सेंट करेगी, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी, क्योंकि जब हम अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करें ताकि हमारी सलाइवरी को एक्सक्रीशन ना होए, यूरिनरी को एक्सक्रीशन ना होए, ठीक है, तो हमारी ग्लैंड्स की जो एक्सक्रीशन है, स्मूथ मसल्स की जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, रिलैक्स करेंगे उनको ये सेंसेशन. क्या करती है लोकल एनेस्थेटिक? इन स्लीप ब्लॉक सेंसेशन ऑफ पेन. सबसे पहले पेन की और टेम्परेचर की जो सेंसेशन है, परसेप्शन है, उसको ब्लॉक करेगी. उसके बाद टच की, प्रेशर की, इनकी सेंसेशन को ब्लॉक करेगी. ये क्या थे? लोकल एनेस्थेटिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. इसके बाद हम इसकी यूजेस करेंगे, साइड इफेक्ट्स करेंगे, अलग अलग जो हमारे हमने डिस्कस करी थी क्लासिफिकेशन के अंदर, हाइपोटेंसिव, लो पोटेंसिव वगैरह, ठीक है, उनका कहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या क्या उनके साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके वीडियो के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगी विद इन 1 या 2 डेज, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना डिटेल के लिए. और ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.